भारत के मुसलमानों के आज की हालत क्या है आप देख रहे हैं, इतिहास मुसलमानों का मिटाया जा रहा है आप देख रहे हैं, भारत के शूरवीरों के चैप्टर को किताबों और यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज से सेमेस्टर से गायब किया जा रहा है ये आप देख रहे हैं। ऐसे में फिर कौन है जो आपको मुसलमानों का इतिहास बताए? आरएसएस वाली ये सरकार, सावरकर जैसे जिसने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया उसकी पूजा करवाते हैं। नई संसद में मोदी जी सावरकर के आगे सर झुकाते हैं, ऐसे माहौल में आप क्या उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार के रहते हुए आपको मुसलमानों का रोल बताया जाएगा? नहीं जनाब, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल से, किताबों से, लाइब्रेरी से इन तमाम चीज़ों को गायब किया जा रहा है। आपके सामने तो वाहिद में ही एक ऑप्शन हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे पहले मोदी जी इन वीडियो के भी पीछे पड़ जाएं। कर लीजिए सब्सक्राइब और देख लीजिए। मुसलमानों पर कम से कम वाजिब है कि इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें और तमाम ग्रुप में शेयर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, अमा लाठी नहीं उठाई और सिर्फ कलम उठाकर, मुसलमानों ध्यान दो, सिर्फ कलम उठाकर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी कि ताकयामत उस इंसान का अब नाम रहेगा। उस कलम के ही ताकत से अंग्रेज थर थर कांपते थे। मैं बात किसी अरे गहरे नत्थू खहरे जेल में बंद और जेल से आज़ादी पाने वाले किसी माफी वीर की बात नहीं, मैं एक मुस्लिम शेर की बात कर रहा हूँ जिसने ऐसी दहाड़ मारी अपनी कलम से कि अंग्रेज़ों ने पतलून में ही मूत दिया था। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा मेरे सख्त जुमलों की वजह से, लेकिन हकीकत यही है। मौलाना हसरत रूहानी, जी हाँ, आज़ादी के गुमनाम सिपाही हजरत मोहानी, जिसकी कलम से अंग्रेज खौफ खाते थे, यही वो शख्स थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद। कान को खड़ा कर लीजिए, दिमाग की नसों को खोल लीजिए। इस बूढ़े शख्स को जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा शायर, एक ऐसा राइटर था जिससे अंग्रेज पनाह मांगते थे। आजादी की लड़ाई में एक तरफ जहां क्रांतिकारियों ने अपने साहस और हौसले के साथ अंग्रेजी सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे, वहीं दूसरी तरफ कई सारे कवियों ने अपनी कलम की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आजादी के गुमनाम सिपाहियों में यही है एक और कवि सिपाही जिन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। ये हैं मौलाना हसरत मोहानी। दोस्तों, ये मौलाना हसरत मोहानी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे देशभक्त थे जो अपने कॉलेज की पढ़ाई करते करते क्रांतिकारियों के साथ भारत की आज़ादी की जंग में कूद गए थे, कॉलेज के टाइम ही। जी हाँ, उनका जन्म 1 जनवरी 1875 के उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिले कस्बा मोहान में हुआ। मौलाना हसरत मोहानी का असली नाम सैयद फजल हसन था। हसरत उनका तखल्लुस था जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी किताबों और शायरी में किया था। मोहान में पैदा होने की वजह से उनको हसरत के साथ मोहानी उनके जोड़ दिया गया। आगे चलकर इनका नाम इसीलिए हसरत मोहानी पड़ गया। शुरुआत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन में कूद गए। इसी वजह से सन 1903 में वो पहली बार जेल गए। एक बार कॉलेज से ही निकाल दिया गया, लेकिन हसरत मोहानी आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखते रहे। अपने कलम, शायरी और लिखने के अंदाज से पूरे हिंदुस्तान तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहे, लोगों को इकट्ठा करते रहे। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 1903 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही एक अपनी पत्रिका जिसका नाम उर्दुए मोहल्ला था, वो पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। ये एक मैगजीन ऐसी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और गलत नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया। मौलाना बड़ी बेबाकी से अपनी कलम से इस पत्रिका में ऐसी ऐसी बातें लिखते थे
जिससे अंग्रेजी सरकार हिल जाती थी। इसी वजह से अंग्रेजी सरकार को पता चल चुका था कि ये शख्स और इस शख्स के हाथ में ये कलम, यही हमारे खात्मे का नतीजा बन सकता है। इसी वजह से मौलाना हसरत मोहानी को कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। ये 1907 का सन था जब हसरत मोहानी के पत्रिका और अखबारों को भी बंद कर दिया गया। सन 1907 का ही वो वक्त था जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। बात यह हुई कि कांग्रेस के साथ तो वो थे, लेकिन गंगाधर तिलक ने जब कांग्रेस छोड़ी तो मौलाना ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और तिलक के करीबियों में वो शामिल होने की वजह से कांग्रेस से थोड़ा सा दूर हो गए। मौलाना हसरत रूहानी सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि लिखते ही थे, शायरी ही करते थे, नहीं मेरे दोस्तों, मौलाना हसरत रूहानी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ भी मीटिंग किया करते थे, उनके साथ घूमा करते थे, आंदोलनों में जाया करते थे। यही वजह थी कि इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब दिया तो पूरे देश में क्रांतिकारियों ने इस नारे को जबान पर रट लिया था। इसी दौरान 1925 में दोबारा से मौलाना हसरत रूहानी को उठाकर जेल में डाल दिया। काफी समय तक उनको जेल में रखा, लेकिन जेल में डालते ही उनके लिखे हुए अशआर और इनकलाब जिंदाबाद का नारा और भी ट्रेंड और वायरल, अगर आसान जबान में बोलूं, वो हो गया। भारत की एक पुरानी बॉलीवुड की फिल्म निकाह में एक गजल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है? ऐसे गजब के शायर थे जो सामाजिक, इस्लामिक और क्रांतिकारी मुद्दों पर शायरी लिखा करते थे। मौलाना हसरत मोहानी ऐसे गजब के इंसान थे कि अंतिम सांस तक उन्होंने अपने देश को दी। इतिहासकारों के अनुसार 1921 में हसरत मोहानी ने ही अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। यह उस समय पारित नहीं हो सका। हसरत मोहानी ने स्वदेशी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को इसके लिए जागरूक किया। जी हाँ, जब अंग्रेजों के सामान का बायकॉट किया तो उसमें मौलाना हसरत मोहानी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मजलिसें और तकरीरें कर कर के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किया। इस मौलवी का जलवा कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए, और किस तरह का ये इंसान देशभक्त था ये भी समझने की कोशिश कीजिए। मौलाना हसरत मोहानी भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार से किसी भी तरह की सुविधा को लेने से इनकार कर चुके थे। संसद वो खुद जाते थे, अपने खर्चों पर जाते थे। ना उन्होंने सरकारी गाड़ी खरीदी, ना सरकारी सुविधा ली, ना सरकारी घर लिया, अपने खर्चे पर वो संसद खुद आया और जाया करते थे। मौलाना हसरत मोहानी एक पहले ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब देश एक है तो कश्मीर को अलग दर्जा क्यों देना चाहिए। इतना ही नहीं, दिमाग चकरा देने वाली बात अब आपको मैं बताने वाला हूं। नाम याद रखिएगा, रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड आपको ये जानकारी दे रहा है। मौलाना हसरत मोहानी ने संविधान पर साइन भी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि संविधान में काफी सारी कमियां हैं। जी हाँ, उन्होंने एतराज किया क्योंकि उनका मानना था कि देश में इससे सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा। उनकी राय में संविधान में गरीब और कमजोर तबके के लोगों को हक नहीं दिया गया, उनके हक में कमी थी। उन्होंने नाराजगी में नारा दिया था और वो नारा था, यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आजादी के इस शेर मौलाना हसरत मोहानी ने देश को सब कुछ दिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश को दे दी। 13 मई 1951 को लखनऊ में हसरत मोहानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वहीं सुपुर्द खाक हो गए। आरएसएस के इस आतंकी दौर में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी इतिहास में भले ही हमारे पास हसरत मोहानी जैसे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से आज आप और हम यहाँ इस देश में खुलकर सांस ले रहे हैं। फिलहाल इस हवा और फिजा में डर, नफरत, जहर
एक दूसरे से बगावत, हिंसा मुसलमानों के खिलाफ एक जुनून, एक जोम्बी जैसा एहसास है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत की आज़ादी में जितना मुसलमानों का रोल रहा है वो काफ़ी अहम रहा है। भारत के इतिहास को मिटाया तो जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं, क्योंकि मुसलमानों के बाप दादाओं का खून मिला है इस मिट्टी में। आज जिन्हें मौलवी और मदरसों से दिक्कत है, आप समझ लीजिए अंग्रेज़ों ने भी पत्रकारिता को बंद किया था, अंग्रेज़ों ने भी अखबार बंद किया था। इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा, सुना और समझा, अंग्रेज़ों ने भी पत्रकार को जेल में डाला था, लिखने वाले हसरत मोहानी को जेल में डाला था। साथ ही मदरसों को भी उन्होंने ही बंद किया था। हिंदू मुसलमान के बीच जहर भी अंग्रेज़ों ने घोला था। तो आज वही काम करने वाला कौन है? अब आप कहेंगे, अरे ये तो हमारी ही सरकार कर रही है। जी हाँ, तो अंग्रेज़ों के नज़रिए फूट डालो राजनीति पर ये फ़िलहाल RSS देश चला रही है। कैसे लगी ये जानकारी, नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।